पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक मिठाई की दुकान को बंद कराने को लेकर पुलिसकर्मी और दुकानदार के बीच कहासुनी होने की घटना सामने आई है। इसमें दुकानदार ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसे थाने ले गई और उसके साथ मारपीट की गई। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार हितेश अग्रवाल ने कहा है कि वह कल्याणपुरी थाना क्षेत्र की सुपर साइंस चौक के पास मिठाई की दुकान अपने पिता के साथ चलाता है। उसने कहा है कि गुरुवार रात करीब 10 बजे हेड कांस्टेबल रोहित कुमार ने दुकान बंद करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर उसने पुलिसकर्मी को कहा कि दुकान बंद होने की प्रक्रिया में है। साथ ही उसने घटना की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। दुकानदार ने कहा है कि हेड कांस्टेबल ने थाने ले जाते समय उसे पीटते हुए थाने ले गया। हितेश महाजन, हितेश जी, क्या घटना थी जो परसों का वीडियो आज वायरल हो रहा है, क्या है पूरा? सर, घटना ये थी कि पुलिस में जो पुलिस बीट वाले आए थे, उन्होंने बोला कि आप दुकान बंद करिए। मैंने ये बोला जन्माष्टमी का सर थोड़ा सा रश है, अभी बंद कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं अभी हम 2 मिनट के अंदर बंद कर रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको बंद करने में। सर, इसी बात पे वो चिल्लाने लग गए कि आपको जब बोला है 10 बजे बंद करना है, तो मैंने बोला सर अभी थोड़ी देर में बस बंद ही कर रहे हैं हम। सर, इसी चीज़ को लेके गुत्थम गुत्था उन्होंने बोलना, पहले चिल्लाना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन चलो। मैंने कहा चलते हैं, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। सर, मैं जाके जैसे ही बाइक पर बैठा हूँ, पीछे से मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे पे हाथ छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों मार रहे हैं, तो कहते तेरे बाप ने ये बोला था, तेरे बाप ने वो बोला था, तेरे बाप ने बोला था मेरे से पैसे लेते हो, ये लेते हो। इसी चक्कर को लेकर सर मेरे को यहाँ से मारते मारते मेरे को पुलिस स्टेशन तक ले गए हैं। वहाँ से सर मार मार के इन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन ओपन करवा के छीना है, उसमें जो वीडियो थी वो डिलीट करी है। अभी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है वो मेरे CCTV की है। और वहाँ से फिर मेरे को LBS लेके गए। LBS के अंदर भी मैंने बोला डॉक्टर्स को कि सर मेरे पूरे निशान हैं, मेरे मारा गया है, मेरे दर्द है यहाँ पे। तो उन्होंने वो भी MLC के अंदर उसको एंटर नहीं करने दिया, MLC भी उन्होंने क्लेम करवाया। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सर, ये कोई पर्सनल वेंडेटा भी हो सकता है, लेकिन सर मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर कानून है तो वो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर प्रोसीजर है कि हाँ अगर किसी ने गलती करी है उसको पुलिस स्टेशन लेके जाए तो लेके जाएं। सर, मारना बीच चौराहे से मारते हुए लेके जाना, गाली गलौज करना, सर ये तो कहीं तरीके से सही नहीं है। आप दुकान के अलावा क्या दुकान पर आप ही बैठते हैं या कोई और व्यक्ति बैठता है? सर, मैं दुकान पर नहीं बैठता हूँ, दुकान पर ज़्यादातर लड़के ही बैठते हैं। फादर की भी सर तबीयत ख़राब है, उनको भी डायलिसिस उनका होता है हफ्ते में 2 बार, और मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं तो कभी कभार जब दिन त्यौहार होते हैं, जैसे जन्माष्टमी थी, तो वैसे उस समय दुकान पर आ जाता हूँ, वरना वीकेंड पर कभी कभार चक्कर लगा लेता हूँ, अदरवाइज मेरा दुकान पर आना नहीं होता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।